नमस्कार दोस्तों, पेश बंसल आरबी लिमिटेड में आपका स्वागत कर रहा हूँ। फाजिलका की अबोहर रोड को आज किसानों द्वारा जाम कर दिया गया, जिससे लोगों को बेहद परेशानी झेलनी पड़ी। जिस प्रकार से यहाँ पर किसानों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में फाजिलका अबोहर रोड को जाम किया गया है, भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर की नेतृत्व में यह धरना लगाया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन एकता के सदस्यों ने शाह पैलेस के नज़दीक अबोहर फाजिलका रोड को जाम करके अपना रोष जताया। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर किसानों द्वारा अपना रोष जताया जा रहा है। आरबी लाइव मीडिया पर आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ, बने रहे मेरे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ धरने में पहुंचे यूनियन के जिलाध्यक्ष व गांव रामकोट के किसान दविंदर सारण से भी देखकर से जानकारी दे रहे हैं। आरबीला मीडिया आपका अपना चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। और पिंड हर पिंड चो ये आवाज आएगी कि झोना एक जोत तो लावांगे सरकार। ना तो ग्रीन ट्रिब्यूनल इस गल का इलम है, क्योंकि वो एसी कमरे च बैठे, एसी कारा च, एसी कोठिया च रेंदे है। उन्होंने की पता भी खेती किवें हुंदी है, ग्रीन ट्रिब्यूनल वाले। और ना ही सरकार नूं इस गल का इलम है। सरकार, पंजाब सरकार भी ते केंद्र सरकार भी किसानां दी दुश्मनी ते तुड़ियां होईयां। वो किसानां दीआं दुश्मन हैगीआं दोनों सरकारां, ते उन्हां नूं इस गल तों पिछे हट जाणा चाहीदा है। ते किसानां नूं भी इस गल समझनी चाहीदी है कि साडे असीं दुश्मनां दा साथ क्यों देईए, असीं अपने भरावां दा साथ देईए। और सानूं मुंगारा भी पिंडां च बहुत ज़्यादा मिल रहा, हुण जथेबंदी बहुत तगड़ी हो रही है। अज किसानों के थोड़े कट का तुम पुछते हो गए कारण, हुण क्योंकि बिजाई चल रही है और कई किसान चो मंडिया झोने को बैठे है। कोई बासमती ले आता, कोई झोना ले आता, कोई बिजाई करी जाते, कोई वहाई करी जाते, कोई नरमे की जगाई करी जाते हैं। इस करके अज कट आने वाले समय से असं दस देंगे। फाजिलका च कानफ्रेंस करा असं आने वाले समय से, जिस कानफ्रेंस के दस देंगे कि फाजिलका इन्ना कट अच्छी कर सकते, वो घट तो घट 5,000 बंदा इकट्ठा करा। शहर होर कि प्रदर्शन अच्छ सारे पंजाब च ही है, हर जिला जिला पद्धर से सारा ये साड़ी जिला जिला प्रधानों दी मीटिंगा हो जाए। जिले दी मीटिंगा दे विच असीं ये पास किया परसों। मंग की है सर साड़ी, मेन मंग झोना बिना पोस्टर तो चक्या जाए। मंग पहले दस जिला प्रधान भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर, असीं इत्थे जिहड़ा सड़क जाम कीती अज्ज, इहदा मतलब साडा साढ़े छे दिनां तों चार किसान बठिंडा विखे वर्क ते बैठे हुए आ झोने की खरीद नूं लै के। झोने की लुट हो रही है मंडियां च। सरकार जिहड़ी नवीं सरकार ने जिहड़ी नवीं वाली शर्त रखी हुई है 17.5%, वो हुण पूरी नहीं हो रही। वो सरकार की ही गलती है जिन्हें 20 दिन झोना लेट करवाया लगन तो। जेकर यही झोना 20 दिन पहला लग्या होंदा ये नवीं की शर्त पूरी हो जाती। हुण साडी मंग यह है बगैर शर्त तो झोना मंडिया से छेती तो छेती चुकया जाए, ताकि किसान अपनी कणक की बिजाई जिहड़ी कि लेट हो रही है उन जल्दी तो जल्दी कर सके। दूजा नंबर साडा पिंड रामकोट विखे तेलों ते पानी पहुँचाने वास्ते पिंड रामकोट के नौजवान दविंदर कुमार जो मेरे नाल खड़े है, इन्होंने एक मरण वर्त रखा सी। इन्हों भी यही इस नसीब से भी तेलों के पानी पहुँचाया जाए। इन्हों भरोसा दिता गया, इन्हों का मरण वर्त चढ़वाया गया और तेलों के पानी अजे तक भी नहीं पहुँचा। इस गल 2 महीने हो गए, करीब 2 महीने पहला यह चढ़वाया। साडा टेलों के पानी पहुँचाया जाए, साड़ी ये मंग है। साडा झोना बिना शर्त चक्या जाए। साढ़े बासमती का पूल जरा पूल करके व्यापारी खरीदते मंडी चो, बासमती का पूल तोड़ा जाए, यही साड़िया मंगा है अज फिलहाल। की लोड़ नहीं गी, उन्होंने कहने के मुताबिक ये सिर्फ भानेबाजी है, दिखावा है। बठिंडे च बैठे है किसान, ओहदे मुताबिक असीं भी फाजिलका जी मरण वास्ते बैठ नूं तैयार हां। जे उहनां दी सारिआं दी समस्या हल नहीं हुंदी, इक साडा पानी दा मसला है। पानी ते बैठा सीगा, आश्वासन दिता सीगा भी असीं पानी पूरा करवा देंगे। उस तो बाद असीं खेतीबाड़ी महकमे तो रिपोर्ट कराई है, जिस रिपोर्ट के मुताबिक साढ़े पिंड च 10% पानी जाता है, जेड़ा 90% पानी है वह चोरी हो जाता है। ये रिपोर्ट खेतीबाड़ी महकमे तो होके डीसी दफ्तर के पेई नूं 1 महीना हो गया, ना तो उस सानूं मुआवजा दिता जाता है,
ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਐਤਕੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮਰਨ ਮੁਰਨ ਵਰਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਢਾਂਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਚ ਜੂੰ ਵੇਂਗਦੀ ਹੈ।